हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैंने आया हूँ नागेश गार्डन जो कि गुप्तार मार्केट के नियरेस्ट है। यहाँ हम अक्सर आते हैं। नागेश गार्डन में हम छुट्टी के दिन यहाँ आके कुछ एक्सरसाइज करते हैं और हमारे बच्चे को भी मैं घुमाने के लिए लेके आता हूँ। सो आज मैंने आप लोगों को देखा था हूँ नागेश गार्डन के अंदर कैसा व्यू है, पूरा आप लोगों को दिखाने का कोशिश करता हूँ। चलो दोस्तों बने रहिए, ये नागेश गार्डन, श्री नागेश गार्डन, ये है नागेश गार्डन की गेट और इसके ठीक ऑपोजिट आपको एक बस स्टैंड मिलेगा। और यह जो बस स्टैंड है, यहाँ पे सबसे नज़दीक गोपीनाथ मार्केट है। दादीगंज में जो भी रहते हैं, यहाँ पे गोपीनाथ मार्केट के पास नागेश गार्डन है। यहाँ वो गार्डन बहुत बड़े हैं और यहाँ आप लोग एक्सरसाइज करने के लिए, मॉर्निंग वॉक करने के लिए आ सकते हैं। ये देखिए नागेश गार्डन का ये बहुत बढ़िया सा गेट आप देख सकते हैं, इस तरह से एंट्री गेट बनाया हुआ है। चलो अंदर जाके देखते हैं कैसे। और कुछ यहाँ पे दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड के तरफ से कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, यहाँ नॉइस पोल्यूशन के बारे में कुछ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और ठीक आप अंदर जाने के बाद आपको इस तरह का व्यू दिखाई देगा, बहुत बढ़िया बनाया हुआ है। ये व्यू देखिए, आपको इतना अच्छा लग रहा है। ये देखिए इस तरह से इतना बढ़िया सा डेकोरेट किया गया गेट है। यहाँ पे छोटे छोटे जैसा फूल आपको देखने को मिलेगा बहुत। चलो मैं और आगे आपको दिखाता हूँ और आगे से फिर ये देखिए, आपको मैं दोबारा ये पीछे की ओर दिखाना चाहता हूँ, इस तरह से बनाया गया है। फोटो खींचने के लिए भी बहुत बढ़िया है यार। चलो आगे चलते हैं हम। यहाँ पे दो रास्ते हैं, आप लेफ्ट राइट दोनों तरफ जा सकते हैं। अगर आप बच्चे साथ लाए हैं तो आपके लेफ्ट की तरफ जैसे जाओगे आप, बच्चे का खेलने वाला जो बहुत आइटम यहाँ पे आपको मिलेगा, बहुत बच्चे के खेलने के लिए यहाँ पे वो खेलने वाला जो आइटम होते हैं उनके, ये सब बनाया गया है। सो चलो दिखाते हैं वहाँ पे आपको किस तरह का बनाया गया है। ये देखिए यहाँ बच्चे का जो खेलने के लिए जो बनाया गया है, यहाँ बच्चे खेल के बहुत पसंद करते हैं ऐसे चीज़ों के ना। सो अब अगर बच्चे लाते हैं फिर गेट से आप डायरेक्ट लेफ्ट आके आप यहाँ पे पूरे आप खेलवा सकते हैं। ये बच्चे कितना खुशी से खेल रहे हैं, ये देखिए। अगर हम मौका मिले तो ऐसे गार्डन में आके हम पूरी देर में एक्सरसाइज करना चाहिए। चलो चलो आगे चलते हैं, अभी आप लोगों को दिखाता हूँ कि पूरे व्यू आप लोगों को दिखाता हूँ। ये जो हम गेट से डायरेक्ट एंट्री होते हैं, गेट से एंट्री होने के बाद आपको ये फर्स्ट गार्डन मिलेगा जो बुद्धा का जो यहाँ पे उनके स्टैट्यू बनाया हुआ है, बुद्धा देव का जो स्टैट्यू यहाँ पे बनाया हुआ है। लोग यहाँ पे आते हैं, योगा करते हैं और बुद्धा देव जैसे यहाँ पे आगे बैठ के उनका ध्यान करने लगते हैं। तो ये एक अच्छा चीज़ है जो कि हमें ऐसे गार्डनों में आके अपने दिमाग को सेंटर में लाने के लिए एक अच्छा तरीका है। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कैसे हैं और क्या क्या हम देखने को मिलेगा। ये बढ़िया सा आपको वॉकिंग करने के लिए यहाँ पे बनाया गया है, तो ये पक्का रोड आप देख सकते हैं वॉकिंग करने के लिए। वाह ये क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पर वाटरफॉलिंग का ये डिज़ाइन भी डेकोरेट किया गया है, तरह से वाटर फॉलिंग आप देखने को मिलेगा। जब गर्मी का दिन में हर कोई मतलब खुशी से भर जाएंगे क्योंकि
क्योंकि गर्मी के दिन में आपको कहीं ऐसे वाटरफॉलिंग का चीज़ें देखते हैं तो अपने आप ठंडा महसूस होते हैं। और सही में लग रहा है यहाँ पे जो मैं खड़े हो रहा हूँ तो यहाँ का जो पानी आ रहे हैं उसमें थोड़ा सा ठंडा महसूस हो रहे हैं। और अंदर जो हरा भरा है, यहाँ गार्डन को भी बहुत बढ़िया सा मेंटेनेंस किया गया है। यहाँ पे पेड़ पौधे दिन भर यहाँ पे काम करने वाला भी रहते हैं और वो लोग जितना हो सके गार्डन को हरा भरा करने का, फूल पौधा लगाने का कोशिश करते रहता है, मैं जो कि देखा हूँ। और यहाँ इस तरह का वाटर फॉलिंग, वाओ, गर्मी के टाइम में आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ घूमोगे इतना बढ़िया फील होता है। चलो आगे चलते हैं। ये बहुत बड़ा पेड़ दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे बैठने के लिए भी आपको बढ़िया सा यहाँ बनाया गया है। अगर हम लेफ्ट साइड की इस तरफ जाते हैं, यहाँ आपको देखने को मिलेगा सुरेंद्र सिंह, कमांडो सुरेंद्र सिंह। तो ये देखने को मिलेगा आपको जिम करने का पूरा आइटम यहाँ पे लगाया गया है। अगर आप वॉक करके आते हैं और आपने एक्सरसाइज कर लिया है, उसके बाद यहाँ पे अपने बॉडी बनाने के लिए भी आपको कुछ ऐसे जिम का आइटम यहाँ पे मिलेगा। ये देख सकते हैं हर चीज़ बनाया गया है। मॉर्निंग के टाइम में भी बहुत लोग यहाँ पे आते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, ऐसे दौड़ता हुआ आपको मिलेगा। एक्सरसाइज करना हमारे हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद है। हम कभी भी टाइम मिले एक्सरसाइज के लिए तो हमें एक्चुअली टाइम को देखना नहीं है, हमें निकलना ही है। एटलीस्ट हाफ एन आवर्स अपने तो निकाल दिन में निकाल के करना चाहिए। ये देख सकते हैं बहुत कम आजकल आपको देखने को मिलेगा इतना बड़ा पेड़। और यहाँ इस तरह से ग्रीन पौधों से भरा हुआ। चलो लेफ्ट की तरफ हम चलते हैं। ये लास्ट मैंने आउटसाइड से भी मैं घूम रहा हूँ कि क्योंकि मैंने ये दिखाना चाह रहा हूँ कि कितना बड़ा है एक्चुअली में। यहाँ आप बाहरी बाहर घूम रहे हैं और अगर आपने दो चक्कर यहाँ पे लगा दिया फिर आपका वॉकिंग का पूरा हो जाएगा। ये देखिए, ये फिर पूरा आउटसाइड है। यहाँ पे भी वाटरफॉलिंग का कुछ बनाया हुआ था शायद। और यहाँ देखिए आप क्या बनाया गया है। यस, यहाँ पे कुछ स्टैट्यू भी बनाया गया है। ये देखिए इस तरह का स्टैट्यू बनाया गया है। इसमें मैं पहले देखा था यहाँ पे जो फूल भरा हुआ रहता था, अगर यहाँ पे फूल रहते हैं तो कितना बढ़िया और अच्छा लगेगा, क्योंकि वो अपने सीजन में फूल अपने आप निकलते होंगे। चलो आगे चलते हैं। गार्डनों में कुछ ना कुछ करके आपने वॉकिंग करो या पसीना तो निकल के जाना ही है। अगर हम मैदान में आ ही गए तो कुछ ना कुछ तो करना है। ये देखिए आप रेस्ट करने के लिए आप यहाँ पे इस तरह से बढ़िया सा जो बैठने का जगह भी बनाया गया है। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे जो हरे हरे पत्ते को देख के तो ऐसा लग रहा है कि आप अंदर आओगे तो बहुत बढ़िया फील करेंगे। आगे चलते हैं। यहीं पे मैं इसका नज़दीक आ गया हूँ जो वाटरफॉलिंग का पास से मैं गुजरा था, ये था। वाटरफॉलिंग वाला तो
मैं अभी आउटसाइड से फिर यहाँ से आपको दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ देखिए वॉकिंग के लिए भी आपने देखिए इतना बड़ा आपको रास्ता बनाया गया है। और यहाँ पे पक्का रोड है, देखो ये क्या लिखा हुआ है, पार्क में फुटबॉल बैडमिंटन खेलना मना है क्या। जितना हो सके हमें हरा भरा होने के लिए हम भी हेल्प करना चाहिए। ये देखिए इस तरह का गार्डन देखने में कितना बढ़िया लग रहा है यार। यहाँ बैठो आप, कूदो और योगा करो। आपका एक बढ़िया सा तीन चार यहाँ पे आपको गार्डन देखने को मिलेगा। अंदर ही अलग अलग पार्ट में बनाया गया है। और एक समय पे यहाँ पे भी बहुत फूले लगाया जाते हैं, अगर इस टाइम थोड़ा गर्मी हो गई तो कुछ फूले यहाँ पे उठा दिया गया है और नया पौधे लगाना शुरू कर दिया है उन लोग। और हम अभी गेट की ओर पहुंचने वाले हैं। यहाँ पे आप फिर रेस्ट कर सकते हैं, फिर यहाँ पे आप थक गए हैं यहाँ बैठ सकते हैं, पानी वगैरह पी के फिर आगे चलते रहिए। ये देखिए चलो आगे और चलते हैं। हम फाइनली गेट की तरफ आ गए हैं और जो हम गेट से अंदर आते थे उसके राइट साइड में आओगे तो फिर ये वाला आपको मिलता। हमने लेफ्ट साइड से अंदर आए थे, ये गेट थे और गेट के फिर ठीक राइट साइड में आपको ये छोटा सा गार्डन इस तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं ये था। और गेट आपने दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ थे ये हमारा मेन गेट। इस तरह से ये आप देखिए साइकिल मोटरसाइकिल लाना भी मना है, इसीलिए यहाँ पे ये जो मेन गेट बड़ा वाला गेट है पहले खुलता था और लोग बच्चे क्या करते थे वहाँ से मोटरसाइकिल भी अंदर लेके आते थे, इसलिए अभी बड़ा गेट बंद कर दिया गया। उधर से आपने डायरेक्ट ये आके मैं आपको मेन ग्राउंड में आपको दिखा रहा हूँ जो हम ऑलरेडी यहाँ से घूम के आए हैं। मैं बाहर बाहर घूम के आप लोगों को पूरे बड़ा कितना बड़ा है आपने देख लिया होगा और क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। तो ये बापू का ये स्टेट्यू भी बना गया है, ये जो वाटर फॉलिंग के साथ ही यहाँ पे बनाया गया है आप देखिए। लोग यहाँ पे पूरे एंजॉय करने के लिए आते हैं, इस तरह से बच्चे खेलते हुए देख के अपने आप खुशी महसूस करोगे। मुझे भी ये पूरा एक चक्कर घूमने में 20 मिनट से ऊपर लग गए हैं और मुझे भी थकान महसूस हो गए हैं एक चक्कर घूमने में। और ये नागेश गार्डन आपको कैसे लगा ज़रूर मुझे बताइए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।